तो भाई लोग, मैं आपको बहुत ही बढ़िया कॉल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ संजय सिंह की। आपको पता होगा कि संजय सिंह कौन है, फ्रॉड संजय सिंह। जो संजय सिंह हमें कॉल करता है, बोलता है कि मैं दिल्ली साइबर क्राइम से बात कर रहा हूँ, तेरा वीडियो हमारे पास आ चुका है, तेरे को 24 घंटे के अंदर तेरे घर से अरेस्ट किया जाएगा। आपको पता होगा कि संजय सिंह के बारे में। तो ऐसे एक स्कैम भाई के साथ हुआ और संजय सिंह ने उसको कॉल किया और कॉल के दरमियान भाई ने जितना भी उनका बातचीत था सारा रिकॉर्ड करके रखा और वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजा। वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ताकि अगर ऐसे संजय सिंह का फ्रॉड कॉल आता है दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच का नाम लेकर, तो किस तरह से इन लोगों के साथ बात करना चाहिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और आपका डर भी खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम राहुल और आप देख रहे राहुल बम्बली यूट्यूब चैनल। तो शुरू करेंगे। आपको कंफर्म के लिए कॉल किया जा रहा है, आपका एक गंदा वीडियो डिलीट कराना, सोशल मीडिया पब्लिक वायरल करके साइबर इंक्वायरी के लिए सेंड करना, पुलिस को देना है। बोले ये जो बंदा था बोला कि मैं संजय सिंह बात कर रहा हूँ, तेरा न्यूज वीडियो मेरे पास आ चुका है, अभी पुलिस के पास रुके नहीं। ऐसे सबसे पहले लोग हमें धमकी देंगे, तो इनके धमकी से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं। अगर हम लोग डर जाते तो बार बार ये लोग हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे, बार बार पैसों की डिमांड करते रहेंगे। डिलीट करना, तो ऐसे काम क्यों करते हो आप लोग, ये बोलिए आप, ऐसे गंदे काम करने को क्यों, किसने बोला आपको? सर ये कॉल मुझे अचानक आई व्हाट्सएप पे, मैंने पिकअप कर ली और उसके बाद सर यही पूरा हो गया, फिर मैंने कट किया, बट कॉल कंटिन्यू ड्रिंक में क्या कर सकता था। मालूम है उसने आपका वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, आपके कॉन्टेक्ट नंबर के साथ में अपनी तरफ से आपका लाइव बर्बाद कर दिया है, बट यूट्यूब टीम की तरफ से आपका जो वीडियो होल्ड पे रखा गया है अभी पब्लिक नहीं हुआ, ठीक है, और लड़की के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दिया है, FIR रजिस्टर हो गया है, 24 से 48 घंटे के अंदर लड़की को अरेस्ट कर लिया जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आप ये मैटर क्लोज नहीं कराते हो तो आपका फाइल भी यहाँ से रेडी हो रहा है और आपके खिलाफ भी कंप्लेंट दर्ज होगा, क्योंकि न्यूड सेक्स का मैटर है सर, हमारे देश में पोर्न वीडियो बनाना बैन किया हुआ, गंदा वीडियो बनाना। सबसे पहले ये बंदा जो बोल रहा है कि मैं दिल्ली साइबर क्राइम से संजय सिंह बात कर रहा हूँ, ये सब फ्रॉड रहता है। वो आपको जानबूझ के बोलेगा कि तेरा वीडियो यूट्यूब के अंदर वायरल हो रहा है, यूट्यूब वाले ने वहाँ पर होल्ड पे रख दिया गया वीडियो, उसको यूट्यूब वाले का नंबर देगा आपको और बोलेगा कि यूट्यूब वाले से बात कर और वीडियो डिलीट करवा ले। देखो जो संजय सिंह बात कर रहे हैं अभी, वो खुद पैसा नहीं मांगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं खुद पैसा मांगूंगा तो ये लोग समझ जाएंगे कि पुलिस लोग कभी पैसा मांगते नहीं, फिर ये पैसा क्यों मांग रहा है। फिर ये लोग कैसे दिमाग लगाते, ये लोग बोलते कि फिर ये लोग क्या करते, बोलते कि यूट्यूब पर तेरा वीडियो वायरल हो रहा है, यूट्यूब वालों ने उसको होल्ड पे रखा है, यूट्यूब वाले से कॉन्टेक्ट कर। फिर यूट्यूब वाले से कॉन्टेक्ट करने के लिए क्या करेगा, वो खुद उसी का बंदे का एक नंबर देगा और जब भी हम उसको कॉल करेंगे उस बंदे को, वो बंदा भी उसी के बाजू में बैठा रहता है और बोलता है कि मैं यूट्यूब केयर दिल्ली ब्रांच से बात कर रहा हूँ, यूट्यूब पर आपका नंबर बता दो, फिर हम नंबर बताएंगे, फिर बोलेंगे कि आपका वीडियो होल्ड पे रख दिया गया है, इसको डिलीट करने के लिए चार्ज दो। तो इसी तरह से घुमा फिरा के ये लोग आपसे पैसा निकालने की कोशिश करता है। जो भी संजय सिंह बन के बात कर रहा है वो पुलिस वाला आपसे पैसा नहीं मांगेगा, बल्कि जो यूट्यूब वाला बन के बात करेगा वो पैसा लेगा, क्योंकि जो संजय सिंह खुद को पुलिस वाला बताता है, अगर वो डायरेक्टली बोलेगा कि मुझे पैसा दे दो मैं डिलीट कर दूंगा, ऐसा बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, मतलब कि हमें सारा इनका गेम समझ में आ जाएगा। तो ये लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं और वो खुद पैसा नहीं मांगते, वो बोलते कि यूट्यूब वाले को कॉन्टेक्ट कर, यूट्यूब वाले आपसे पैसा मांगेंगे। चलिए आगे सुनते हैं क्या बोला ये। कंफर्म आपका वीडियो डिलीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके लिए आपको यूट्यूब के रूल फॉलो करने होंगे, तो उसे 5 मिनट के लिए तो ये आपका मैटर क्लोज हो पाएगा। अच्छा क्या करना है? हाँ उसके लिए आपको यूट्यूब ट्रांजेक्शन आईडी पे करना होगा सर, 4550 रुपीज, 4000 आपका रिटर्न होगा लाइव पे रहते हुए, 550 रुपीज आपका डिलीटिंग का चार्ज लगेगा, परमानेंट आपका मैटर क्लोज हो जाएगा। वीडियो डिलीटिंग का जो स्क्रीनशॉट होगा प्रिंट के साथ में आपको व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा सर। ओनली 2 मिनट के लिए आपको 4550 रुपये लगाना है, 550 आपका चार्ज लगेगा, 4000 आपका लाइन पे रहते हो रिटर्न हो जाएगा सर। अच्छा। आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं होगा, आपका मैटर यहीं पे क्लोज हो जाएगा, ठीक है सर। इतना मनी नहीं है सर, मेरे पास तो वैसे भी मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करता, तो मैं अगर आप यूज नहीं करते तो किसी भी आप अपने फ्रेंड से, फैमिली मेंबर से या मनी ट्रांसफर की दुकान से, शॉप से, कहीं से करा सकते हो, आपसे जबरदस्ती ये नहीं है, अगर आप कराना चाहते हो तो करा सकते हो, नहीं कराना तो मत कराइए, ठीक है। आगे की कानूनी कार्रवाई कराता हूँ अगर मैटर क्लोज नहीं कराया तो आपने, यहाँ से हमें ऊपर से सख्त आदेश है सर आपके खिलाफ। देखो भाई लोग, सबसे पहले ये डरा देगा बंदा, ये बोलेगा कि संजय सिंह बोल देगा कि
तेरा वीडियो YouTube के अंदर वायरल हो रहा है, YouTube वाले से कॉन्टेक्ट कर और YouTube से डील करने का मुझे स्क्रीनशॉट भेज। उसके लिए आपको कुछ अमाउंट लगाना पड़ेगा, 4,500 रुपीज लगाना पड़ेगा। 4,000 रुपीज तुरंत ही लाइन पे रहते हुए वक्त ही आपको रिटर्न किया जाएगा। तो इनको पैसा मत देना भाई लोग। ये क्या करते हैं, ये आपको मतलब कि उनके बातचीत के जाल में फंसा लेते हैं। बोलते कि 4,500 लगा दो, उसके बाद 4,000 तुरंत ही रिटर्न हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में ये लोग पैसा रिटर्न कभी नहीं करते। 4,500 जब भी हम भर देते हैं, उसके बाद जब भी हम बोलते कि सर मेरा 4,000 रिटर्न दो, फिर बोलेंगे कि नहीं और आपको तेरे को 5,000 लगाना पड़ेगा, 6,000 लगाना पड़ेगा, तूने गलत अमाउंट सेंड किया, ऐसा बोल के वो आपसे बहुत सारा पैसा लूट लेंगे, ये याद रखो। और रही बात YouTube की, YouTube के अंदर हमारा गंदा वीडियो कभी जिंदगी में अपलोड होता भी नहीं। YouTube के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी कुछ नहीं रहता। YouTube का कस्टमर केयर नंबर कोई भी कस्टमर केयर वाला नंबर नहीं रहता। YouTube कभी आपको कॉल नहीं करता। YouTube के अंदर किसी ने भी आपका गंदा वीडियो अपलोड किया तो तुरंत ही उसका चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा। YouTube इतना स्ट्रिक्ट है। YouTube का कोई भी अधिकारी ऐसा पर्सनल कॉल नहीं करता। YouTube कभी किसी से पैसा नहीं मांगता। ये बात ध्यान में रखो भाई लोग। ये सब जितने भी लोग बोल रहे कि पुलिस वाला बन के कॉल कर रहा है, यूट्यूब वाला बन के कॉल कर रहा है, लड़की बन के बात कर रहे, सब फेक रहते हैं, सब फर्जी रहते हैं, सब आपसे पैसा लूटने का काम रहता है। ये पैसा मांगेंगे भाग जाएंगे, बाकी आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। जब तक आप पैसा देते रहोगे तब तक वो पैसा मांगते रहेगा। सर हो गया ना सर, आप देखो हो गया, गलती हो जाता है, सबसे हो जाता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे हो गया, ठीक है, लाखों मीटर आते हैं, लेकिन क्लोज कराना नहीं कराना ये आप पे डिपेंड करता है। और एक्टिव रहना वीडियो या डीएक्टिव करना, ये बोलिए आप, डीएक्टिव करना है तो पेमेंट लगाइए, पेमेंट लगाओगे 550 चार्ज लगेगा, 4,000 तुरंत वापिस हो जाएगा एक मिनट के अंदर, ठीक है ये आपको बहुत डरा देगा। बोलेगा कि तेरे को पैसा तूने भरा नहीं तो तेरे को अरेस्ट किया जाएगा, गंदा वीडियो सोशल मीडिया के अंदर वायरल कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ नहीं रहता, हमारे वीडियो कभी जिंदगी में यूट्यूब के अंदर वायरल नहीं होता। और ये जो खुद तो पुलिस वाला बन के बात कर रहा है, वो पुलिस वाला नहीं रहते, ये जामताड़ा के लोग रहते, राजस्थान मेवात के वहां पर लोग रहते, वो ऐसा स्कैम ब्लैकमेलिंग का धंधा चालू करते, बहुत सारे लोग ऐसे स्कैम करते और पैसा मांगते। तो पैसा देने का नहीं, सिर्फ उनको इतना बोलने का, जो जॉब करना कर दे वीडियो वायरल, डाल दे यूट्यूब के अंदर, मैं जा रहा हूँ साइबर क्राइम के अंदर तेरी रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो जो करना कर, सिर्फ इतना बोल दो। आपका वीडियो कभी जिंदगी में वायरल तो छोड़ो, आपको कॉल भी नहीं करेंगे, तुरंत आपका रिटर्न हो जाएगा। अपने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपको सेंड करके रखे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आईडी कार्ड, ठीक है। तो सर मैं आपको अभी सर मैं ऑनलाइन पेमेंट जैसे घर पर मेरे को यूज करता नहीं, बाहर काम कहीं साइबर कंप्यूटर दुकान में हो जाएगा। सर आप कहीं से भी करा सकते हो, मैं आपको बार कोड यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, आप कहीं से भी करा सकते हो। आप कॉल पे बात कर लीजिए, आपका कोई दोस्त या फ्रेंड कोई यूज करता है तो आप किसी से बात कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा पूरी कॉल रिकॉर्डिंग। इसके अंदर ये बंदा बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, फिर ये संजय सिंह बोलता है कि नहीं आपको करना होगा, ये आपको मतलब कि जबरदस्ती करेगा, पैसा डालो नहीं तो फिर कॉरेज किया जाएगा, हमें पूरा मतलब मजबूर करेगा पैसा डालने के लिए। लेकिन आपको डरना नहीं, सिर्फ उतना ही बोलना, जो करना कर दे वीडियो वायरल, में जा रहा साइबर क्राइम के ऑफिस में, तुम लोग का नाटक बस हुआ, सिर्फ इतना बोलो। अगर जो बंदा गाली देने नहीं आता इसको, जो लोग डर जाते इन लोगों से, तो गाली मत दो उनको, सिर्फ इतना बोलना, मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन के अंदर तुम लोगों की कमेंट लिखाने के लिए, तो जो करना करो, सिर्फ इतना तो बोल सकते हो। जो भाई लोग गाली देने में सक्षम है, बिंदास गाली तो माँ बहन का, ये लोग जिंदगी में आपको कॉल ही नहीं करेंगे। जितना आप इनसे प्यार से बात करोगे उतना ही आपको ब्लैकमेल किया जाएगा, उतना ही आपसे पैसों की डिमांड की जाएगी, और बार बार कॉल करेंगे, एक महीने के बाद, दो महीने के बाद, छह महीने के बाद, कभी भी ये लोग कॉल करते हैं अगर आप उनको पैसा देते हो तो। इसलिए आप उनको पैसा नहीं देना, और उनको बोलना भी नहीं कि मेरा पेमेंट आने के बाद में, मेरा सैलरी आने के बाद मैं आपको पैसा दूंगा, ऐसा कभी भी मत बोलना। ऐसा बोलने के बाद वो और आपके ऊपर चढ़ जाएगा और आपसे पैसा मांगेगा, फिर आप फंसते चले जाओगे। तो भाई लोग ध्यान में रखो, इनको पैसा कभी भी नहीं देना है। कोई भी रियल का संजय सिंह नहीं रहता, कोई भी संजय सिंह, राहुल शर्मा, विनोद राठौड़, हेमंत राव, राकेश अस्थाना, इन लोगों के नाम लेते, ये लोग बहुत ही बड़े पुलिस ऑफिसर से इन लोगों का नाम यूज करके ये जो फ्रॉड लोग है वो ट्रू कॉलर के अंदर डाल देते,
ताकि हम जब भी ट्रू कॉलर के अंदर इन लोगों का नंबर चेक करें तो पुलिस वाले का नाम आता है, फिर ये पुलिस वाले का नाम हम गूगल पे सर्च करते हैं तो रियल का पुलिस वाला हमें दिखाई देता है, फिर हम लोग डर जाते हैं। तो ये सब डरना बिल्कुल भी नहीं। और सबसे पहले जो पुलिस वाला बनके कॉल करता है, अभी वो वीडियो कॉल करता है, वीडियो के अंदर वर्दी पहन के कॉल करता है, पीछे सायरन का आवाज आता है, ये सब फर्जी है। जिस तरह से आपको लड़की का वीडियो दिखाती है लोग, उसी तरह से पुलिस वाले का भी पहले से रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिखा जाता है और बैकग्राउंड में कुछ आवाज लगाई जाती है और सायरन की रिंगटोन लगाई जाती है, बस उतना ही करते हैं और आपको डराते हैं और आपको लगता है कि सचमुच का पुलिस वाला है, लेकिन ये सचमुच का पुलिस वाला नहीं रहता, ये सब फर्जी रहता है, ये सब फ्रॉड रहते हैं। भाई लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लास्ट दिन के बाबा धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।